नमस्कार जिला रिपोर्ट को स्वागत। बुलेटिन आरंभ करिबा सही गुरुत्वपूर्ण खबर रु ओलटिला पिकनिक बस गजपति सीमांत तोम्बलापदर बुलाणी निकटे दुर्घटनाग्रस्त होईछि। बस टी एवं बस रे ओलटिबा फळरे जणंकर मृत्यु होइतिबा बळे 19 जण इथिरे आहत होईछन्ति। आहत 19 जण गजपति मोहना मेडिकल रे भर्ती होईछन्ति। कोरापुट गुप्तेश्वर दर्शन सारी भुवनेश्वर फेरुथिले माने तेबे सेमानक मध्यरु 9 जणंकर अवस्था वर्तमान संकटापन्न रहिछि। जणकर मृत्यु होता बेले समुदाय 19 जन आहत होती। कोरापुट गुप्तेश्वर दर्शन सारी भुवनेश्वर फेरुले गोटे पर समस्ते होता सूचना मिली। कुनी शिशु व छोट पा जमापड़ गजपति सीमांत डोम्बलापदर बुलाणी निकटे दुर्घटना घटी। सूचना अनुसार भारसाम्य हर पिकनिक बस टी ओलटी पड़ा सूचना मिली। संपर्क अधिक सूचना फोन लाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि वासुदेव दास। वासुदेव, केमती 19 जन अवस्था वर्तमान रही जो मान संकटापन्न अवस्था था सेमानकर किभली भाव में चिकित्सा चली? बस कोड़े जन को जो दुर्घटनाग्रस्त 20 जन जो थे गाड़ी से प्रथम मोहना चिकित्सा केन्द्र में भर्ती करमु 3 जन अवस्था जेहेतु मुंडे आघात प्रबल होगा जो से ब्रह्मपुर 3 जन को ब्रह्मपुर को स्थानातर करूचना मिलती। आज भुवनेश्वर गोटे पर 20 जन कोरापुट गुप्तेश्वर जाते पिकनिक करने से फेरुवा समय आज भोर 3टा बेले गजपति और रायगढ़ सीमांत डुम्बलापदर केन्दुगुड़ा घाटी निकट डुम्बलापदर निकटने गोटे बुलाणी बुलवा समय गाड़ी की भारसाम्य हर रास्ता कड़े ओल्टी पड़ता जहाँफल गाड़ी में समस्त आघात होते जनकर मृत्यु होती जहाँ सूचना मिली ना हूँ सुनील साहू जहाँ सूचना मिली। बर्तमान समस्त घटा पर निकटस्थ अड़वा पुलिस और मोहना दमकल अग्निशम कर्मचारी घटनास्थल पहुंची समस्त को उद्धार करते घटनास्थल में अड़वा पुलिस पहुंची तद जारी रखी के परिस्थिति में गाड़ी की दुर्घटना होता चिंता। वासुदेव, चिकित्सा केमती चली कहते कि 9 जन अवस्था वर्तमान संकटापन्न रही कि भाव में ठीक भाव में चिकित्सा मिल पार से केमती देखुं व्यवस्था? हाँ सीधा जेहेतु मोहना चिकित्सा केन्द्र से निकट मोहना से भर्ती कर सूचना मिली टिके टिके आघात हो समस्त से 3 जन को बेस आघात हो ब्रह्मपुर स्थानातर कर चिकित्सा जारी रही। वासुदेव, 19 जन शिशु रही कि महिला केते पुरुष थे से बाबद किसी सूचना अच्छी? हाँ सीधा शिशु शिशु गाड़ी में शिशु जहाँ टे मई सेमती किसी असुविधार किसी ना जहाँ जना पड़ी जहाँ खबर मिली आमको सेमती किसी असुविधार सम्मुखीन असुविधा ना अंत मैंने वर्तमान को भल अच्छा चिंता। धन्यवाद वासुदेव दास थे प्रतिनिधि सविशेष सूचना दूसरे। दिनकर विराम पर आज पुणी थे सारा राज्य में आरंभ हेबो कोविड टीकाकरण। प्रति मेडिकल कॉलेज रे रहिबो 5टी केन्द्र। प्रति टीम रे 5 बदल रे एणिकी 6 जन रहिबे एवं प्रति केन्द्र रे 200 जन को कोरोना टीका देबा पई लक्ष्य रखा जायछि। सेपरि प्रति जिला मुख्य चिकित्सालय रे 2टी लेखाई केन्द्र करा जायछि। सब डिविजन स्तर रो मेडिकल रे भी 2टी लेखाई केन्द्र होईछि एवं प्रति केन्द्र रे 100 बा ताठारु अधिक लोके टीका नै पारिबे। प्रति गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र सीएचसी रे गोटे लेखाएं स्टेशन साइट रहिबो एवं 100 जन टीका नेबे। 7-10 दिन मध्य प्रथम पर्याय टीकाकरण सरिबा लक्ष्य रखा जायछि। प्रथम दिन में भुवनेश्वर 600 स्वास्थ्यकर्मी को टीकाकरण लक्ष्य रखा जायथिला। तबे कैपिटल हॉस्पिटल रे सर्वाधिक 156 जन टीका नेथिबा बळे अन्य 4टी केन्द्र रे 100% टीकाकरण होईछि। किंतु यूनिट 4 रो यूपीएचसी रे टीकाकरण हार 50% रु कम रहिथिला। प्रथम दिन में राजधानी 6टी केन्द्र में टीका दिया बेले आज संख्या बढ़िबो। भुवनेश्वर को आसीथिबा कोवैक्सीन डोज अनुसार प्रथम पर्याय 9000 स्वास्थ्यकर्मी को टीका दिया। 27 सरकारी हॉस्पिटल और 18 घरोई हॉस्पिटल रे टीकाकरण केन्द्र पर निष्पत्ति होई। सेबड़े राज्य में द्वितीय पर्याय टीकाकरण 25 तारीख सुधा डाटाबेस प्रस्तुत परिवार कल्याण निर्देशक कहते।
आज करोना टीकाकरण द्वितीय दिन गंजाम जिले में प्रथम दिन में 1100 जन स्वास्थ्यकर्मी को टीका दिजापी लक्ष्य रखाई बेले 1004 जन को टीका दिजाला से आज करोना टीका संपूर्ण रूप से व्यापक कर प्रथम दिन में जिले में मोट 11 केन्द्र में टीका दिजाला बेले आज 36 केन्द्र में दिजा टीका ब्रह्मपुर में 6 केन्द्र में टीका देवार व्यवस्था कर जिलार समस्त गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपखंड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र में टीका दिजा ए संपर्क अधिक सूचना पाई एवं आलोचना पाई शासक कैलाश बेहरा जोड़ी होती आम सहित आम ब्रह्मपुर प्रतिनिधि कैलाश प्रथम दिन में जी टीका दिजाला वर्तमान केते लक्ष्य रखाई द्वितीय दिन में केतोटी केन्द्र अधिक कर द्वितीय दिन टीकाकरण व्यवस्था केमती देखुं देखो निहाती सीधा जब जहाँकि पूर्व जहाँ प्रथम दिन जो रही है 11 केन्द्र कराइल ब्रह्मपुर सहर से 4 केन्द्र सहित अन्न्य जिले में जिलार विभिन्न ब्लक अन्न्य केन्द्र कि बर्तमान यही केन्द्र को संपूर्ण रूप वृद्धि कर बर्तमान आज गंजाम जिलार 36 केन्द्र में टीकाकरण हो प्रत्येक केन्द्र में 100 जन को स्वास्थ्यकर्मी को टीकाकरण करने निम्न व्यवस्था कर आज गोटे दिन में 3600 जन को जो स्वास्थ्यकर्मी रही टीकाकरण करने निम्ते लक्ष्य रखाई एवं जदि कह ब्रह्मपुर सहर विशेषकर 6 केन्द्र कर पूर्व प्रथम दिन में 4 केन्द्र कर तेज आम बर्तमान छू ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल आम सहित किसी सहरवासी जोड़ी होती सीधा सख भाव पचारि बुझा से कौन रही प्रतिक्रिया कौन कहे प्रथम दिन में तो टीकाकरण किया बर्तन आज वृद्धि कराई कि देखते ये टीकाकरण प्रक्रिया के आश्वस्त आज्ञा प्रथम मु स्वागत योग्य प्रथम मु धन्यवाद देवी भारत सरकार एवं ओडिशा सरकार जो सहयोग करी जो लोकों पर जो काम करने आगे आम सक्सेस मु धन्यवाद देवी किंतु ये जो 36 जिले में जो दिहबाप 100 जन को से कम बहुत भल कम कर दि जाऊँगी आज पर्यटन कौन सी असुविधा है वर्तमान सुधा आगु भी आशा रखुचे असुविधा हम नहीं जो भारत सरकार गोटे स्टेप नहीं कि भल कम करश्चय भल खराब हबार किसी कारण ना ये जो लोक मैंने जो विभ्राट करेंगे ये अमुक समुक अमुक कह विरोधी दल मैंने से कथा ध्यान न दिं नदेक आपण मैंने आगे जातु कोरोना भल टीका आ भल होती सरकार आमप बहुत करमिका सरकार केवे भी मिलवनी आम मानक अपेक्षा थी अपेक्षा अंत हो लोक मैं गोटे आश्वस्ति कहे निहाती टीका आसला साधारण जनता आश्वस्ति एवं स्वास्थ्य विभाग भी विभिन्न कर्मचारी भी आश्वस्ति से पूरापूरी लाभ करते गोटे कथा करवा दरकार जो लोक मूर ट्रस्ट रही जमीक देखो ब्रह्मपुर में अधिकांश ट्रस्ट करती ब्रह्मपुर सांसद विधायक एणु से जब टीका दिजाव एणु अधिक लोक मोटेट हो पारे और लोकों भितर जो द्वंद्व तैयारी होभिन्न गणमाम मत भिन्न भिन्न भाव प्रकाश पाँच आपड़ देखुए गोटे गणमाम गोटे कहला आउ गए गणमाम कहे 51 जन असुस्थ हो टीकार विपरीत प्रक्रिया रोचे कहे एणु ए सबू कथ दूरवाई निहाती जो मेरे ट्रस्ट रही जो मैंने साधारण जनप्रतिनिधि से टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ करने राज्य सरकार पदक्षेप निंद्र सरकार आज जो प्रकार कमिटमेंट अनुसार लोकों पाखे ये टीका को पहुंचे पार्टी से साधुवाद और साधारण जनता भी एथप्रति कोपरेट करवा दरकार आो लोक मैंने सेक्टर में अधिक भाव में लोकों सहित जड़ित होती से मानु प्रक्रिया आरंभ हो आ गंजाम जिले में तो प्रशासन कोरोना को हैंडल करिवारे से ढंग से अति माहिर अच्छा वर्तमान टीका क्षेत्र में भी मुझे आशा करुच्ची जे प्रशासन ताको ठीक ढंग से नहीं पार और आमर साधारण जनता स्वर जहाँ आम कहूँ जो जो लोक मान आरंभ कले लोकों मनरे भय दूर हम से प्रथम चयन करेंगे बोली मुझे आशा रखुच्छी आम सहरवासी सहित आलोचना करते प्रतिक्रिया जेहेतु गोटे आवश्यकता रही है और टीकापाई लोक मैंने अपेक्षा करते से अपेक्षार अंत हो जेहेतु प्रथम दिन पदक्षेप को समस्त स्वागत करुछंती कोरोना टीका द्वितीय दिन जेहेतु आज रही कि भाव में यह व्यापक कर दिग्गर प्रशासन तरफ व्यवस्था भी करवाद कैलाश बेहरा जोड़ी होते प्रतिनिधि सविशेष संपर्क में अधिक सूचना दौले और प्रतिक्रिया रखते तेज आज टीकाकरण द्वितीय दिन मयूरभंज जिलार बारीपदा सदर महकुमा
पीआरएम मेडिकल एवं हॉस्पिटल रे कोविड टीकाकरण द्वितीय दिन रही। जिलार मुख्य चिकित्सालय देवेन्द्रपुर रंगामाटिया कप्तिपदा जसीपुर रायरंगपुर करंजिया एवं विजयातला आदि 10 स्वास्थ्य केन्द्र में टीका देवार व्यवस्था कर सरकार पक्ष जिला 11,900 कोरोना टीका जिला मुख्य चिकित्सालय को आसीपारी। आज बारीपदा मेडिकल सेंटर में 200 जन टीका दिया तबे अन्यान्य केन्द्र में 100 जन टीका देवार व्यवस्था कर। इस संपर्क में अधिक आलोचना करने पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज को जोड़ी होती मयूरभ प्रतिनिधि रवींद्र नायक। रवींद्र केमती वर्तमान व्यवस्था को देखुं द्वितीय दिन में कोरोना टीका को लेकिन कौन लक्ष्य रखा रखे स्वास्थ्यकर्मी को टीका दिजिव एवं कौन कौन व्यवस्था करतोटी केन्द्र रही अन्न्य जगार देखो सिंधा ये हूँ बारीपदा पंडित रघुनाथ मुर्मू हॉस्पिटल जो कोविड 19 से सेंटर कर टीकाकरण प्रक्रिया मुख्य सेंटर सम्मुखें अच्छा कि जहाँ कह कथा है आम जहाँ हॉस्पिटल मैनेजर सहित कथ हो जिले में 10 सेंटर कराई ये मुख्य कार्यालय समेत 10 सेंटर कराई 10 सेंटर में आज जदि कह 200 जन स्वास्थ्यकर्मी को जो मैंने मेडिकल काम कर पारामेडिकल स्टाफ हूँ कि आप फार्मासीस्ट हूँ कि डॉक्टर कि नर्स विभिन्न प्रकार जो स्टाफ रही आज 200 जन को टीका दिजाव व्यवस्था कर सकाल 10 टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ हम 5 पर्यंत चलो तेज कहीपर जहाँ कि 16 तारीख में टीकाकरण प्रक्रिया प्रथम प्रधानमंत्री उद्बोधन देलापर संबोधित कलापर देशवासी को प्रक्रिया आरंभ कर प्रथम पर्यायर में मयूरभ जिले में 100 जन स्वास्थ्यकर्मी को पंडित रघुनाथ मुर्मू हॉस्पिटल परिसर में जो रही सेंटर में दि जाता है कि से टीका नापर ये टीका निश्चित रूप फलप्रद देहपति भल रही सूचना मिलता है और जो मैंने टीका नहीं प्रतिक्रिय बहुत भल रही टीकार किसी साइड इफेक्ट ना खबर रही है कि आज जो भाव में रही दिन 10 टीकाकरण प्रक्रिया चलो कि सरकार पक्ष 11,900 जिला को टीका आसी 60% स्वास्थ्यकर्मी को टीका देवार व्यवस्था कर एक सप्ताह मध्य 60% दिजिव किपटे कहींपर जो भाव में सरकार जो पदक्षेप जिलावासी बहुत खुशी अच्छा और मेडिकल स्टाफ खुशी अच्छा कि गोटेपटे कहींपर कौन लोक माने कौन व्यक्ति माने टीका बंचे ना बर्तवे ना ता सरकार ध्यान दूसरी आगु मध्य खसड़ा प्रस्तुत करु 10 समय जो भाई टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ हम आप तार देखा चाहिए चित्र ये सेंटर में प्रथम स्टाफ मैंने जो एंट्री करेंगे जो स्टाफ मैंने रही 10 जन स्टाफ मेडिकल और नर्स और विभिन्न स्टाफ 10 जन को लेकिन टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ कर 10 जन स्टाफ मध्य धीरे धीरे जो स्टाफ मानक जो मैंने रजिस्ट्रेसन करेंगे कि खबर देते सूचना फोन मध्यम देते आसिक टीकाकरण टीका नहीं पारे टीका ने कौन असुविधा हेल्ले कि साइड इफेक्ट हेल्ले से डॉक्टर को जनई पारे कि बर्तमान पर्यटन जदि कह कौन साइड इफेक्ट ना कि फलप्रद सूचना मिली किंतु आज जब टीका नापर कौन असुविधा हुए कि कौन क्षति घटे कि असुविधार संभावना थाए ता जनवा नहीं पूर्व सूचना दि जाए तेणु सीडीएमओ अन्न्य अधिकारी सूचना दी तेज टीकाकरण प्रक्रिया जिला मुख्य कार्यालय चिकित्सा कार्यालय में जो मेडिकल स्टाफ मान रही सीडीएमओ रही समस्त प्रस्तुत हो रही कहींपर ये हूँ से गाड़ी प्रस्तुत होकर रही स्टाफ धीरे धीरे आसिया लगे किसी समय स्टाफ आरंभ द्वितीय दिन टीकाकरण प्रक्रिया प्रतिनिधि सूचना दौले धन्यवाद रवींद्र नायक थिला प्रतिनिधि सविशेष इस संपर्क में अधिक सूचना दौले और किभली भाव में व्यवस्था कर टीकाकरण को लेकिन से बाबद सूचना दौले। ब्रेक पर स्वागत पाणीपाग खबर पर नजर पकाइबा सारा राज्य में शीतर प्रकोप जारी रही 7 स्थान में तापमात्रा 10 डिग्री तले रेकर्ड होती फुलवाणी में सर्वनिम्न 5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होती पूर्व दिग्वर वायु प्रवाह फल 24 घंटा पर तापमात्रा बढ़ा शीत कम आभ्यंतरण ओडिशा रे 3-4 डिग्री एवं उपकूल ओडिशा रे 2 डिग्री जाए तापमात्रा बढ़िबो बोली कहिछि पाणीपाग केन्द्र। बौद्ध नयागढ़ पुरी कंधमाल जिले में घन कुहुड़ी संभावना रही सेहिपरि कटक खोर्धा जगतसिंहपुर अनुगुल रायगड़ा नवरंगपुर रे हल्का रु मध्यम धरणर कुहुड़ी संभावना रही 21 तारीख रु पुणि थरे 3-4 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाइबो बोली कहिछि पाणीपाग केन्द्र।
ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା 8-9 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 8ଟା ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଯାହାଫଳରେ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶୀତର ମାତ୍ରାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଚା ପିଇବା ସହ ନିଆଁ ପାଖରେ ରହି ନିଜକୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବୌଦ୍ଧରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ଲହର ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାହା ରହିଛି SRC ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଶୀତ ପାଇଁ। ସକାଳୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଶୀତ କିଭଳି ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଶୀତ ଏଥର କିଭଳି ରହିଛି? ସବୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶୀତ ଲହରୀ ପ୍ରକୋପ ବହୁତ ଜୋର ଅଛି। 3-4 ଦିନ ହେଲା ଅଧିକ ଶୀତ ହେତୁ ଜନଜୀବନ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇମାନେ ବି ମଣିଗୁଆର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ଚା ଟିକେ କରୁଛୁ, ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବି ଆସିକି ଶୀତର ନିଆଁ ଟିକେ ବି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଚା ଟିକେ ପିଇକି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଶୀତ ଏଥର କିଭଳି ରହିଛି? ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ତ ଶୀତ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ଶୀତ ଅଧିକ ହେଇଛି, ତାପମାତ୍ରା ବି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ 7-8 ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ସକାଳୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ଲଗେଇକି ଆସିକି ଚା ଟିକେ ପିଉଛୁ, ନିଆଁ ଫିଆଁ ପାଇଁ ମଜା ନେଉଛୁ, ଲୋକ ବି ଟିକେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କି 3-4 ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ଶୀତ ଜୋର ଅଛି, ନହେଲେ ଆଗରୁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଶୀତ ଏତେ ନଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ କେବେଭଳି ରହିଛି ଶୀତ? ଏବେ ଶୀତ ଏବେ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନି, ଚାଲି ହେଉନାହିଁ, ଲୋକ ଯାହା ଗୋଟେ ବି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାଟଘାଟରେ, କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁରୁ 8ଟା ଯାକ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ସଫା ଦିଶୁନାହିଁ, ଲୋକ ବାଗ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ରହୁଛି, କୁହୁଡ଼ି ଯେଉଁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହୁଛି, ଗାଡ଼ି ଯାହା ଯାନବାହନ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୀତର ଲହରୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର, ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଦିଲ୍ଲୀପ ସୁକିନ୍ଦା କରଡ଼ାପାଳରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ, କେବଳ ନିଜେ ନୁହେଁ ଅନେକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା। ଜଣେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଭଲ ଭାବେ ଏହି ଫାର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟୁନ 7 ଏକର ଜମିରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ କରଡ଼ାପାଳ ଗାଁରେ ଏହା ରହିଛି। ଏହି ଫାର୍ମରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି। ଫାର୍ମର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜମିରେ ରହିଛି ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ ଓ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ, ବଳକା ଜମିରେ ଚାଲିଛି କୋଳି ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ। ଫାର୍ମରେ ଲାଗିଛି କିସମ କିସମର ପନିପରିବା, କଲରା, ପୋଟଳ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି। ତେବେ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ବେଳେ ଏଥିସହିତ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ କୋଳି ଚାଷ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଳି ଚାଷ କରି ସେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଗାଁର 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ କମ୍ ଜାଗା ଅଛି, ହାପ୍ ଏକ ଜାଗା ଅଛି, ନଚେତ କିଏ କାହାର ଜାଗାରେ ବି ଲିଜ୍ରେ ନେଇ ବି କରିପାରିବ, ଆଦର ବେଶୀ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବେଶୀ ପଇସାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଜାଗା ଅଛି, ଆମର 7 ଏକର ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଏକର ଜାଗା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଫାର୍ମ ଜାଗାରେ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କରିଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡକୁ ପୋଖରୀ କରୁଛି, ଆଉ ପାଖାପାଖି 3 ଏକର 3.5 ଏକର ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପେଲ୍ ବେଲ୍ ଚାଷ କରିଛି। ଲକଡାଉନରେ କାମ କରି ଆସିଛୁ, ଯାହା ପଇସା ବି ପତ୍ର ପାଉଛୁ, ବି ପରିବାର ପୋଷାକ ହେଉଛୁ, ବି ଏଠି ବି ପନିପରିବା ଯାହା ହେଉଛୁ ବି ଆମେ ବି ନିଜେ ନେଇକରି କିଛି ଖାଉଛୁ। ଏଠି ଚାଷ ହେଉଛି ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ବିମ, ଟମାଟୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆଟେ କରିକି ମାଛ ବି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ। ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କରଡ଼ାପାଳ ଭଳି ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଆଜି ଭଲ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାସାୟନିକ ସାର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘୁଷୁରୀ ଓ ଗାଈ ଗୋବର ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାରେ ପରିବାର ଲୋକ ବି ବେଶ୍ ଖୁସି, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତେ।
ଏଇଠି ମାମୁଘରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ପାପାଙ୍କ ତ ପିଗ୍ ଫାର୍ମ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ପାପା ଏତେ ବଡ଼, ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ସ ବନାନ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ସ ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ବନେଇଛନ୍ତି ଆପେଲ୍ ବେର ଉପରେ, ଏଇଟା ପାଇଁ ପାପାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଛି। ସେଇଠି ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ହରଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ କି କୋଳଥ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ନେଇ ଏଠି ଯେଉଁ ଫସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ଫସଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମତଃ କୋଳି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଟକ କୋଳି ବୋଲି କହୁ। ଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କୋଳି ନଥାଏ, କଟକ ଗଲେ ସେ କୋଳି ମିଳେ, ଆମ ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁ, ଆମ ପାଇଁ ଆଣୁ। ସେ କୋଳି ଗଛ ଲଗେଇକି ଆଜି ମଣିଷ ମଣିଷ ଉଚା ହେଇକି କୋଳି ଫଳିଲାଣି, ବହୁତ ଲାଭଜନକ ଫସଲ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆକୁ ଅଇକା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ, ଆମ ପ୍ରଥମ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ତଥା ଅଇକା ବହୁ ଚାଷୀ ଏଇ କୋଳି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆ ପରେ ଏଇଠିକି ଆଣି ଏଠି ବୁଲେଇ ଆର କେମିତି ଚାଷ କରାଯିବ, ଆର ଯତ୍ନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଇଏ କରିକି ଆମେ ଏଇ ଚାଷଟାକୁ ଅଇକା ଆହୁରି ବହୁତ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଦିଲୀପ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ଦେଶ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଟିକାର ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଭାଇରସ୍କୁ ହରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିଛି ନେଟୱର୍କ 18। 18 ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଭାବନା ଆଧାରରେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସଞ୍ଜୀବନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକା ପାଇବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଧିକାର।